Be you it. हम कर रहे हैं बिकॉज अगर मैंने कल को जहर रिकमेंड कर दिया तो थोड़ी आप लोग जाके खा लोगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट के प्रोडक्ट को खरीदने से पहले यूज करने से पहले आप समझे की इसमें एक्चुअली है क्या हाइड्रेशन तो देता है दैट इज कॉमन सेंस लगा के भी पता चल जाता है बट वॉट आर द रियल बेनिफिट्स ऑफ स्नेल म्यूसिन एसेंस किस तरह से अलग अलग स्किन टाइप के लोग अलग अलग स्किन कंसर्न के लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं यह है आज की वीडियो हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड मेरा नाम है निपुन आपकी स्किन केयर बेस्टी एन सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट टूडेज इज ऑल अबाउट हाउ डू इनऑपरेट स्नेल म्यूसिन एसेंस इन टू योर स्किन केयर रूटीन द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन यूज इट कोई भी आपकी स्किन टाइप हो कोई भी आपका स्किन कंसर्न हो

सालों में दस बार क्योंकि कभी कभी मैं इसे गिफ्ट भी करती हूं दिस इज लाइक ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो जैसे ही खत्म होता है जैसे कि हो गया है आई इमीडिएटली इमीडिएटली प्लेस ऑर्डर एंड आई रिपर्चेस इट दैट इज हाउ मच आई लव इट एंड गिवन द फैक्ट a आई content स्किन केयर have क्रिएटर lot स्किन केयर products. बट ये प्रोडक्ट है जिसे मैं खत्म ही नहीं होने देती आई ऑलवेज की बैकअप एंड आई टेल यू रीजन नंबर वन this दिस इज रीजन नंबर वन ये फैबुलस इसलिए है क्योंकि ये वर्क करता है 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 हर स्किन स्किन टाइप पे आपकी नॉर्मल कॉम्बिनेशन ड्राई है ये प्रोडक्ट सॉरी ये प्रोडक्ट एक टू इन वन प्रोडक्ट है इसमें स्नेल म्यूसिन एसेंस तो है ही अब स्नेल म्यूसिन एसेंस होता क्या है स्नेल जो एक छोटा सा जानवर टाइप है जब ये चलता है रेंगता है जमीन पे, उसकी नीचे की स्किन छिल जाती है बिकॉज दैट इज अबाउट टू हैपन राइट दैट इज कॉमन लेकिन कुदरत ने द ऑल माइ क्रिएटर ने हर इंसान का और हर लिविंग बींग का कितना ख्याल रखा है कि नेचुरली जब वो रेंगते हैं वो सिक्रीट करते हैं ये

मेरा चेहरा कंप्लीटली ड्राई था वॉश्ड एंड ड्राई एंड देन आई गो इन विथ स्नेल म्यूस इन एसेंस एंड आपने देखा होगा ना लोगों को ऐसे करते हुए सो यू गो हेर एंड अप्लाई ऑन टू योर फेस आप इसे आंखों के नीचे लगा सकते हैं गर्दन पे डेफिनेटली लगाना चाहिए यू कैन अप्लाई इट एवरीवेयर नाउ

क्रीम फैब्यूलस है लेकिन क्योंकि आपकी स्किन एक्सेसिवली ऑयली है आप स्किप करें अगर आपकी स्किन टी जोन से भी ज्यादा ऑयली है कॉम्बिनेशन है बट इट्स कॉम्बिनेशन मोर ऑयली नॉट सो मच कॉम्बिनेशन ड्राई तो भी आप इस प्रोडक्ट को द सेकेंड प्रोडक्ट द स्नेल म्यूसिन एसेंस मॉइस्चराइजर इसे आप स्किप कर सकते हैं बट एवरीबडी एल्स कैन यूज इट एंड दैट इज द बेनिफिट नंबर वन दैट दिस प्रोडक्ट इज लिटरली समथिंग दैट एवरी स्किन टाइप कैन यूज सेफली मैंने टिकटॉक पे बहुत रिसर्च करते देखी हैं कुछ जहाँ कुछ लोगों को ये प्रोडक्ट सूट नहीं किया है guys, 100% सूट करने वाला कोई नहीं है. कुछ लोगों को वैसलिन के साथ भी रिएक्शन हो जाता है सो अंडरस्टैंड नो प्रोडक्ट इज 100% परसेंट सेफ बट नाइनटी लोगों को ये प्रोडक्ट सूट करता है सो दिस इज फॉर एवरी वन एंड दैट इज रीजन नंबर वन वाई यू शुड इट रीजन नंबर टू और स्किन टाइप नंबर टू जिसके लिए ये बहुत बहुत आइडियल प्रोडक्ट है ऑल ऑफ यहाँ तीन स्किन टाइप्स और तीन स्किन कंसर्न्स को एड्रेस कर रही हूँ सेंसिटिविटी एक्जिमा एंड रोजेशिया तीनों के लिए ये कॉम्बिनेशन फैब्युलिस है कॉस्ट्रैक्ट स्नेल म्यूसिन मॉइस्चराइजर एंड दिस इज लाइक न्यू is one of the best products that is there for healing and soothing your skin barrier और ये properties आती हैं snail mucin से अब जो snail mucin है इसमें actual कुछ natural occurring peptides हैं peptides हमारे skin के लिए anti aging benefits तो रखते ही हैं but साथ ही साथ they have skin healing properties सोचें जो snail म्यूसिन एक स्किन को छिलने से बचा सकता है वो आपके स्किन बैरियर के लिए कितनी फैबुलस चीजें कर सकता है सो बिकॉज दिस इज बिकॉज दिस प्रोडक्ट इनहेरेंटली हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज आई हाईली हाईली रेकमेंडेड उनके लिए जिनकी स्किन सेंसिटिव है एक्जिमा प्रोन है और जिनकी स्किन

अगर तो आप एक्टिव यूज करते हैं और कहीं आपने लेयरिंग की कोई गलती कर दी प्रोडक्ट को ओवर यूज कर दिया देन पॉइंट नंबर थ्री दिस प्रोडक्ट इज फैबुलस फॉर रिपेयरिंग अ ब्रोकन स्किन बैरियर एंड आई कैन स्पीक अबाउट इट फॉर फॉर गारंटी बिकॉज इफ यू सो माई नायस इन माई ट्वेंटी आई स्पोक अबाउट कितनी बार लास्ट दो महीने में मेरा स्किन ब्रेकआउट हुआ था मेरे स्किन पे मैसिव इरिटेशन हुई थी वन आई वॉज टेस्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड सिंगल हैंडेडली कॉस्ट्रेक्स नेल म्यूस इन एसेंस एंड मॉइस्चराइजर ये कॉम्बिनेशन था जिसने मेरी स्किन को हर टाइम ठीक किया सो इफ यू हैव अ ब्रोकन स्किन बैरियर मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द दस्ट्रेक्स म्यूस म्यूसिन एसेंस एम एंड पीएम। एंड नंबर फोर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट चेक आउट द ग्लो बट मेरी स्किन मैट है ग्लो आ रहा है अच्छा सा बट द स्किन इज मैट

प्रोन हैं जिन्हें दाने निकलते cystic acne. And problem तब आती है है, अब जो dry skin होती है, acne prone उसको होती है तकलीफ क्यों क्योंकि जो एक्ने ट्रीटिंग इन्ग्रीडियंट होते हैं जेन ऑलरेडी ड्राइंग होते हैं इन्हें हम लगाते हैं ड्राई चेहरे पे तो स्किन और ज्यादा ड्राई और ज्यादा इरिटेटेड हो जाती है और अगर आपकी स्किन ज्यादा इरिटेट होती है इट इज मोर प्रोन टू हाइपर पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स एंड थिंग्स लाइक दिस दिस प्रोडक्ट इज फैबुलस फॉर एक्ने प्रोन स्किन ड्राई एक्ने प्रोन स्किन या अगर स्किन है है और एक्ने प्रोन याकिन यू नो द ड्रिल जस्ट यूज द स्नेल म्यूसिन स्किप द मॉइस्चराइजर इन द डे रात को आप दोनों यूज करें सो so, जिन जिन की स्किन एक्ने प्रोन है आई वुल्ड टू ट्राई आउट दैक्स स्नेल म्यूसन एसेंस इन एडिशन टू दिस ये वाला जो मॉइस्चराइजर है हमेशा आते हैं के नीचे के एक ऐसा बेसिक मॉइस्चराइजर बताइए जो हम रेटनॉल के साथ भी यूज कर सकते हैं लैक्टिक एसिड ग्लाइकोलिक हर चीज के साथ यूज कर सकते हैं यह है आपका बेसिक मॉइस्चराइजर बिकॉज इसमें कोई एक्टिव नहीं है सो यू कैन यूज दिस विद योर रेटनॉल विद योर विद योर विद्यलिक एसिड विद योर विद्यो नायसिन पेप्टाइड विटामिन सी जो मर्जी आप लगाएं कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता इनग्रीडियंट्स दैट आर एंटी एजिंग एंड दैट इज माई पॉइंट नंबर सिक्स आई बिलीव दैट फ्रॉम एन एंटी एजिंग परस्पेक्टिव दिस डू इज फैब्यूल हम कितने भी सेरम्स लगा लें अपने चेहरे पर यू केन नॉट फॉर वो द फैक्ट यू डू नीड अ गुड मॉइस्टराइजर आपको हर चीज को सील इन करना है यू नीड अ गुड मॉइस्चराइजर सो डू योर सेल्फेवर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेसिक मॉइस्चराइजर अफकोर्स यू कैन यूज सेटफिल यू कैन यूज नीविया आप जो मर्जी यूज करें बट दिस वन विस्ट योर एंटी एजिंग बेनिफिट नंबर और दिस इज हैक ये मैं करती हूँ जब मैं होती हूँ जल्दी में एंड आई फील माई स्किन इज नॉट लाइक ग्लोइंग इन इट नीड्स एन एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन स्नेल म्यूस इन एसेंस रिप्लेस करेगा आपके हाइड्रेटिंग मास्क को यू डोंट नीड टू रियली गो एड एंड बाय हाइड्रेटिंग मास्क एनी मोर इसी प्रोडक्ट का एक थिक लेयर लगाएं, गिव इट अबाउट हार्ड धीरे धीरे कम बैक इन द कॉमन सेक्शन एंड थैंक मी अगर आज आपके पास नेल म्यूजिन है एंड यू आर अप्रोचिंग द वीक आपके पास थोड़ा सा टाइम है देन गो है इस मॉइस्चराइजर को एक मास्क के जैसे यूज करके देखें एंड यू विल थैंक मी फॉर इट And point number five or point number eight, which is super important is that you can also use the snail mucin essence on your hair.

सिर्फ एक प्रोटिप मैं देना चाहूंगी कि जो आपके बाल के एंड्स होते हैं यानी ये वाला हिस्सा

एंड जो परफेक्टली आपके लिए काम करता है स्पेसिफिकली इफ योर स्किन टायर्ड डिहाइड्रेटेड यू जनरली वॉन्ट अम्परिंग एक्सपीरियंस टेक योर स्नेल म्यूस इन एसेंस इसे अपने गीले चेहरे पर लगाएं जैसे मैंने अभी डेमो किया था उसके बाद कोई भी शीट मास्क उठाएं यू कैन पिक अप द चीपेस्ट वॉन्ट लाइक इवन फ्रॉम मिनिड ऑन यूर फेस लीवर फॉर टेन मिनट फिफ्टीन मिनट जितना भी है योर स्किन विल बी पोरलेस एंड ये कैसे होता है क्योंकि इतनी सारी हाइड्रेशन जब आपके चेहरे पे मिलती है या स्किन इस सो प्लम्प के जो पोर्स

वीडियो पसंद आई डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल मैं आपसे मिलूंगी कल विद अनदर वीडियो टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ बाय